चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पीलीभीत में बाइक सवार तीन बदमाशों ने हाईवे पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। प्रबंधक के साथ बाइक से बैंक जा रहे पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को पहले रोका गया, उसके बाद पैर में गोली मारकर 1,65,000 रुपए लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले दिन प्रतिदिन इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि उनमें पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है। ताजा मामला पीलीभीत से है, जहां बाइक सवार तीन बदमाशों ने हाईवे पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। प्रबंधक के साथ बाइक से बैंक जा रहे पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को पहले रोका और उसके बाद पैर में गोली मारकर 1,65,000 रुपए लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उनके जो कैश जो मुनीम था वो लेके जा रहा था, उसी वक्त तीन अज्ञात बदमाश जो है उनका नाम रघुनंदन पुकार के उन्हें गाड़ी रोका और रोते उनके आंखों में मिर्ची पाउडर डाली और जो कैश भरा बैग को लूटने की प्रयास किया। इन्होंने रेसिस्ट किया, इसी बीच में इन लोगों ने गोली चला दी जिसमें रघुनंदन के पैर में गोली लगी। बदमाश जिस तरह इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इससे पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। पीलीभीत से पवन कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की अपडेट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।